दुनिया भर में अपनी कविताओं के लिए मशहूर कुमार विश्वास ने रामकथा कहने के दौरान आरएसएस और वामपंथियों को लेकर कमेंट कर दिया। कुमार विश्वास ने अपनी कमेंट में संघियों को अनपढ़ कहा था, वहीं उन्होंने वामपंथियों पर तंज कसते हुए उन्हें कूपड़ कहा था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुमार विश्वास द्वारा रामकथा सुनाया जा रहा था। कथा सुनाते सुनाते कुमार विश्वास कुछ और ही सुना बैठे। उन्होंने कहा कि 3-4 साल पहले की बात है, बजट आने वाला था, मैं अपने घर के स्टूडियो पर खड़ा था, एक बच्चे ने मोबाइल ऑन कर दिया। वो बच्चा हमारे साथ काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, मुझसे बोला भैया बजट आ रहा है कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है तो राम राज्य वाला बजट आना चाहिए। जिसके बाद उसने कहा कि राम राज्य में कहां बजट होता था। मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है, वामपंथी तो कूपड़ है और तुम अनपढ़ हो। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी है वो कूपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है, एक ये वाले हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है ये सिर्फ बोलते हैं। अब कवि कुमार विश्वास के इस बयान पर भाजपा ने नाराजगी जताई है, वहीं सोशल मीडिया पर भी विश्वास के बयान पर कई लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। अब कुमार विश्वास ने एक और वीडियो जारी की है और अपने कॉमेंट को लेकर सफाई दी है। वीडियो जारी करते हुए कुमार विश्वास ने कहा है कि उज्जैन में रामकथा के दौरान मैंने एक बच्चे की बात शेयर की थी जिसे लेकर कुछ लोगों को आपत्ति है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो मैं माफी मांगता हूं। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक पर मैंने टिप्पणी की। संयोग से वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ा लिखा कम है, बोलता ज्यादा है। मैंने उससे कहा था कि तुम पढ़ा लिखा करो, वामपंथी कूपड़ है और तुम अनपढ़ हो, बस इतनी सी बात थी। उन्होंने कहा कि मैं जो बोल रहा हूं वह अर्थ समझे, नए अर्थ समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।